सुदामा जी ने भगवान के हिस्से के चने खा लिए। जैसा मैंने कल बताया, हम किसी और का हक लेते हैं तो अपने जीवन में दरिद्रता को बुलाते हैं। जरूरी नहीं वो तुरंत ही आएगी, एक साल, दो साल, दस साल, बीस साल बाद। सुदामा जी के जीवन में दरिद्रता ने कब प्रवेश किया? जब उनका विवाह हो गया, बच्चे हो गए। अब बहुत दिन हो गए हैं, बच्चों ने कुछ नहीं खाया, बहुत भूखे हैं। तब पत्नी ने सुदामा जी से कहा कि आपने एक बार कहा था कि श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते, वो कुछ तो मदद करेंगे। सुदामा जी कहते, नहीं, मांगने तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे, मैंने स्वार्थ की मित्रता नहीं की थी उससे, आज तक मैं उससे मिलने नहीं गया, अब दुख के दिन आए हैं तो मैं मांगने चला जाऊंगा। पत्नी ने कहा, ठीक है, मांगने मत जाइए पर मिलकर आ जाइए। उन्हें कुछ मत बताना हमारी कैसी हालत है, हम कैसे रह रहे हैं, बस मिलकर आइए। और सोचिए, उस हालत में भी जब खुद के घर में अन्न का दाना नहीं है, तब पत्नी ने कैसे तैसे इधर उधर से मांगकर चावल की एक छोटी सी पोटली बनाई। क्या आप जा रहे हैं उनके पास, ये भेंट स्वरूप दीजिएगा। सुदामा जी भगवान से मिलने जाते हैं,